रांची के हरमू में स्थित आजसू पार्टी मुख्यालय में मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें आजसू पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो के समक्ष भीम मुंडा ने अपने समर्थकों के साथ आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि आजसू पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। आजसू पार्टी में लगातार लोगों का जुड़ना जारी है। इसी क्रम में आज भीम मुंडा ने आजसू पार्टी का दामन थामा। मौके पर उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी के विचार से हम प्रभावित हैं। कुछ दिन हमने कांग्रेस में भी बिताया, लेकिन वहां लोग अपने लिए काम करते हैं, जबकि आजसू पार्टी लोगों के बेहतर विकास के लिए और समाज के लिए काम करता है। हमारे जो यहाँ के समाज के हमारे जनते हैं, परिवार हैं, उनको देखते हुए, समस्याओं को देखते हुए हमने एक अच्छे लीडर, एक अच्छी पार्टी से इस धरती को संभालने वाला आने वाला समय हो सकता है कि वो झारखंड राज्य का वो सपना को और इन गरीबों को अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी, अच्छी रोजगार, अच्छी कृषि और स्वास्थ्य, उच्च स्तरीय एजुकेशन के लिए जो संपर्क संकल्प लिए हैं आजसू पार्टी, वो हमारे माननीय सुदेश महतो जी हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ का लोग आज झारखंड से बाहर नहीं गए हुए, इसलिए कि उनको अच्छे उच्च स्तरीय एजुकेशन देने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि हर घर में एक बेटी और एक बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, ICS, मजिस्ट्रेट, जज और अपने झारखंड राज्य के हर कुर्सी में देखा जाएगा, बाकी अन्य राज्यों में भी देखा जाएगा कि जब भी जहाँ से आएंगे तो झारखंड राज्य का लोग उनके लिए जो हमारा आजसू पार्टी संकल्प लिए हैं हमारे सुप्रीमो सुदेश कुमार जी। वही मौके पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि आजसू पार्टी समाज के प्रबुद्ध लोगों को अपने साथ जोड़कर समाज कल्याण के लिए काम करेगी। देश की सेवा के उपरांत एक पूर्व सैनिक से लेकर शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने वाले हमारे इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज निलय का नेतृत्व करने वाले उसके मुख्य प्रबंधक और पूर्व में कांग्रेस घाटी में सैनिक प्रकोष्ठ के राज्य के पदाधिकारी रहे आदरणीय भीम जी का और इनके पूरी टीम का मैं पार्टी में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि देश सेवा में बीते क्षण हमेशा इस राज्य सेवा के सार्वजनिक जीवन में भी इनकी चेतना का हिस्सा रहेगा और इनकी एक बड़ी जवाबदेही के ऊपर राज्य के शैक्षणिक वातावरण में परिवर्तन को लेकर काम कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इनके संगठन में आने से और इनके सहयोगियों के संगठन में आने से पार्टी को गति मिलेगी और शैक्षणिक वातावरण राज्य की चिंता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मैं पुनः इनके और इनके पूरी टीम को पार्टी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सुदेश जी, केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। हाँ, कल मुख्यमंत्री दिल्ली को ED ने गिरफ्तार किया है, तो अब ED के कोर्ट में वो जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। कैसे देखते हैं जो विपक्षी पार्टी लगातार टारगेट कर मंत्री की गिरफ्तारी? अब ये एक दुर्गामी समय में इसको लेकर जरूर बातें और चर्चाएं होंगी, लेकिन जिस रूप से भ्रष्टाचार के मुद्दे आ रहे हैं, जिस रूप से विषय आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दो पक्ष होंगे। एक तो गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के समय ये सब को लेकर बातें चल रही है, लेकिन एक पारदर्शी रूप से राष्ट्र निर्माण में इन चीज़ों के और पदों के आधार पर, पदों की अहमियत कभी भ्रष्टाचार से ऊपर हो जाए तो ऐसा, इस पर पूरा देश बहस करेगा कि अहमियत किसकी होनी है। अहमियत में दोनों पर बहस चलेगा और ये एक अभी एक छोटा बहस से ये समाप्त होने वाला नहीं है। ये संवैधानिक पदों में रहने वाले लोग अपनी जवाबदेही, अपने कर्तव्य पर भी बात चलेगा और
जो आज बात हो रही है कि ऐसे समय में हो गया, तो समय पर भी बातें चलेंगी कि किसके लिए कितना समय देना चाहिए और कौन सा समय उपयुक्त होगा, ये बातें चलेंगी भविष्य में। सुदेश जी, घर घर सुदेश के तहत आप लोगों ने अभी पानी का और अंतिम शव यात्रा वगैरह का व्यवस्था करने का प्लान किया है, अभी आएगा पार्टी का एक, हम लोग ने पार्टी को लोगों के लिए, आम जनों के लिए, चूंकि जो पार्टी है, पार्टी से लोगों को उम्मीद होना है, केवल पार्टी उम्मीद करती है वोट हमें दे दो, पार्टी से भी लोगों का उम्मीद होता है, और समय पर लोगों की जब आवश्यकता होती है तो पार्टी नगण्य होता है, पार्टी का कोई स्ट्रक्चर, कोई लोग मिलते नहीं है, केवल वोट निर्माण के लिए पार्टी के वर्कर काम करते हैं। हम लोग एक राजनीतिक जवाबदेही सार्वजनिक जीवन में आए हैं तो ये सिद्ध करेंगे कि एक राजनीतिक दल के और एक कार्यकर्ता के रूप में भी हमारा सोशली जवाबदेही हमारा बनता है, और हम न केवल कोई विधायक और MP बन के लोगों के लिए खाली उपयुक्त रहें या सरकारी संसाधन या अपने दायरे में आने वाले अधिकार का लाभ दें, बल्कि एक सोशल जनरल वर्कर बन के भी एक आम लोगों का सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में हम लोग काम कर सकते हैं, ये पार्टी करने जा रही है और ये आगे का हमारा कार्यक्रम में से। सब चीज़ें एक प्लेटफॉर्म में प्रारंभ होंगी, लेकिन हम लोग NDA के अंदर में, इस प्रदेश के अंदर में हम चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी चुनाव लड़ेगी, और चुनाव के प्रत्याशी से लेकर सीटों पर और 14 सीटों पर हमारे टोटल कार्यक्रम आएंगे, लेकिन उससे पहले हमने पूरे राज्य भर में जो पार्टी का कार्यक्रम हमारा था, पार्टी के कार्यक्रम के आधार पर हम लोग ने गांव स्तर पर जो पिलर मेंबर स्थापित किए हैं उनके साथ हर लोकसभा स्तर का संवाद कार्यक्रम हमारा होगा। गिरिडीह में हमने किया, रांची हमने किया है, इसके आगे अभी हमारा हजारीबाग होगा, हमारा पश्चिम सिंहभूम होगा, हमारा जमशेदपुर होगा, धनबाद होगा, टोटल लोकसभा में जितने 14 के 14 लोकसभा में पार्टी वर्कर्स के साथ वहाँ गांव के जो पिलर्स मेंबर हैं उनके साथ संवाद होगा, ताकि पार्टी इस 2024 की चुनौतियों को किस रूप से सामना करेगी और अपने NDA को विजय दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आएगा, मैंने बोला एक प्लेटफॉर्म में आकर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी कि उस चुनाव में कैसे और कौन भाग ले रहा है। 14 में कितने सीटों पर NDA का जीत पे, मैंने पहले भी कहा, मैं दोहरा रहा हूँ, कोशिश यही है कि 14 के 14 पर हमारी तैयारी रहे और एक बेहतर आंकड़ा हम लोग वहाँ पर लाए और उसको जीत में परिणत कर सके, इसकी कोशिश रहेगी। अच्छू तो जाएगा लोकसभा में।